प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरे मटर और मखाना काजू से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। कम समय में कम सामग्री में बनकर तैयार हो जाती है ये रेसिपी, तो ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामग्री बताएंगे, तो सामग्री में हमने 50 ग्राम मखाना ले लिए हैं, ये देखिए, दो बड़ी साइज प्याज बारीक काट लिए हैं, दो हरी मिर्च ले लिए हैं, 5-6 कलियां लहसुन छिलका उतार के काट लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। मसालों में 1/2 चम्मच जीरा है, 5-6 काली गोल मिर्च, थोड़ा जायफल है, ये देखिए, 4-5 लौंग है, 1 चम्मच धनिया है, थोड़ा तेज पत्ता ले लिए हैं, थोड़ा जावित्री है, ये स्टार फूल है, इसे स्टार फूल बोला जाता है, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा दालचीनी है, 1/2 चम्मच काश्मीरी मिर्च है, चुटकी भर हींग डालेंगे, 2 मीडियम साइज टमाटर हमने काट लिया है, 1/2 बाउल हरी मटर है, थोड़ा काजू ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मसालों को अभी पीस लेंगे, तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है, अदरक लहसुन हरा मिर्च प्याज डाल देते हैं, इनको बढ़िया से भून लेंगे सुनहला कलर तक। जब तक प्याज अदरक लहसुन मिर्च भून रहा है, आइए मसाले पीस लेते हैं मिक्सी में। थोड़ा प्याज को चला देते हैं, नहीं तो जल जाएगा। प्याज बढ़िया से भून लिए हैं, मसाला भी पीस गया, ये देखिए प्याज का कलर सुनहला कलर हो गया है, तो इस तरीके हम थाली में निकाल लेते हैं। मसाले हम प्लेट में रख लेते हैं। अब अदरक लहसुन हरा मिर्च प्याज को पीस लेंगे, ये भी पीस गया है, ये देखिए, इसको भी निकाल लेते हैं थाली में। अब हम कटे हुए टमाटर पीस लेते हैं, टमाटर भी पीस गया है, आइए बनाना शुरू करते हैं। तेल काफी गर्म है, तेज पत्ता डाल देते हैं, चुटकी भर हींग डाल देंगे। अब हम मखाने डाल देते हैं, मखाने को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब हम काजू डाल देते हैं, बिना काजू के भी बना सकते हैं, तो काजू और मखानों को बढ़िया से भून लेते हैं मीडियम फ्लेम में। काजू और मखाना बढ़िया से रोस्ट हो गया है, ये देखिए। अब हरी मटर डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पीसे हुए मसाले डाल देते हैं। अब मीडियम फ्लेम में इसे बढ़िया से भून लेते हैं। मसाला अच्छी तरीके भून लिया है, बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब पीसे हुए टमाटर डाल देते हैं, टमाटर को अच्छी तरीके मिलाएंगे, टमाटर भी बढ़िया से मिला दिए हैं। अब हम पीसे हुए अदरक लहसुन प्याज हरा मिर्च डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरीके मिलाएंगे। यह रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये अच्छी तरीके हमने मिला दिया है, ये देखिए। अब इसमें पानी डाल देते हैं, पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे ग्रेवी पतली पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए और ग्रेवी गाढ़ी पसंद करते हैं तो कम डालिए। अब मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि बढ़िया से पक जाए। 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे, ये देखिए ऊपर ऊपर तेल दिख रहा है। मखाना हरी मटर और काजू की रेसिपी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। फ्लेम बंद कर देते हैं, आइए अब सर्व करते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, कोई गलतियाँ हो माफ़ करिए। प्लेट में निकाल लेते हैं, आप इसे चावल पूरी पराठा रोटी के साथ सर्व करिए, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खाइए।
तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। यह रेसिपी जितना दिखने में अच्छी दिख रही है उससे कई गुना खाने में बहुत बढ़िया टेस्टी बनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।